सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ किलोग्राम, और यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाला। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ समझाने वाला हूँ, किलोग्राम और पाला। पाला क्या होता है? पाला का मतलब होता है पाँच। पाला का मतलब होता है पाँच, यानी आपको कुछ भी कहा जाए कि आप एक पाला आलू लीजिए, एक पाला प्याज लीजिए, एक पाला मरचा लीजिए, तो एक पाला का मतलब होता है 5 केजी। तो अब पाला समझ गए और किलोग्राम मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आलू जो है 90 रुपये पाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आलू जो है 90 रुपये पाला है, तो 2 केजी और 100 ग्राम आलू का दाम बताइए क्या होगा। आलू जो है 90 रुपये पाला है, यहाँ देख सकते हैं पाला लिखा गया है, पाला है, तो 2 केजी 100 ग्राम आलू का दाम क्या होगा हमको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो देसी तरीका से मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि देसी क्वेश्चन है तो देसी तरीका से ही आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 90 रुपये पाला है, यानी एक पाला जो आलू का दाम है 90 रुपये है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, लिखेंगे सोल्यूशन, एक पाला आलू का दाम जो है हमारा यहाँ पर 90 रुपये यहाँ पर दिया गया है। एक पाला आलू का दाम है 90 रुपये, और हमको पता है कि एक पाला में हमारा 5 केजी होता है। एक पाला आलू में 5 केजी आलू होता है, एक पाला के बराबर 5 केजी होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और रेट है कितना? 90 रुपये है। अब हमको इसके सहारे निकालना है 2 केजी 100 ग्राम का दाम। तो बहुत आसान है, 5 केजी का दाम है 90 रुपया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 केजी का दाम। 1 केजी का दाम कैसे निकालेंगे? तो 5 के जगह पर 1 कर देंगे, और ये जो 5 है इस 90 के भागे में कर देंगे। तो 90 और ये जो 5 है बराबर के राइट साइड में जाएगा, तो बटे में हो जाएगा। तो यानी 90/5 हो गया 1 केजी का दाम। और ये जो कटेगा तो कैसे कटेगा? तो 5 से जो है 18 बार में कट जाएगा, यानी 18 5 से 90। तो 1 केजी का जो दाम हो गया, 1 केजी आलू का जो दाम हो गया हमारा यहाँ पर 18 रुपये आ गया। 1 केजी आलू का दाम हमारा 18 रुपये आ गया। हमको निकालना है क्या? 2 केजी 100 ग्राम का दाम निकालना है ना। तो क्या करेंगे कि 1 केजी का दाम है 18, और 1 केजी का दुगुना होता है 2 केजी, और रेट का दुगुना करेंगे तो 18 दुनी के 36 रुपये हो जाएगा। यानी 2 केजी का दाम हो गया 36 रुपये, और यहाँ से हमको निकालना है क्या? 100 ग्राम का दाम। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पर 1 केजी का दाम है 18 रुपये, और इसके सहारे हम निकाल लेंगे 100 ग्राम का दाम। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि आपको समझ में आएगा, 1 केजी में हमारा जो होता है 1000 ग्राम होता है, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ से हम 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे, 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। सिर्फ मैंने किलोग्राम को यहाँ पर ग्राम में चेंज कर दिया हूँ, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। और ये जो है 18 रुपये, यहाँ पर इसका मूल्य पहले से दिया गया है, 1 केजी बराबर 18, तो मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, और रेट तो सेम ही रहेगा, तो 18 रुपये हो गया 1000 ग्राम का दाम। 1000 ग्राम का दाम 18 रुपये। यहाँ से हमको निकालना है 100 ग्राम का दाम। तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 1000 ग्राम है, इधर हम कर देंगे 100 ग्राम, यानी 10 कम कर दिए ना। और इधर क्या करेंगे कि 18 दिया गया है पहले से, दाहिने साइड से इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट बैठा देंगे दाहिने साइड, यानी इस तरफ से यहाँ पर क्या है, 18 है, तो यहाँ पर 1 8 दिया गया है ना, 1 8 रुपये यानी 18 रुपये। और दाहिने साइड से 1 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, क्यों? क्योंकि इधर से 1 अंक 10 कम कर दिए हैं, तो इधर से क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ के 1 पॉइंट बैठा देंगे। इधर से 0 कम करेंगे, 10 कम करेंगे, तो 1 अंक छोड़ के 1 पॉइंट बैठा देंगे। अगर इधर से 2 0 कम करते हैं, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठाते हैं, यानी 0.18 हो जाता अगर यहाँ से 2 0 कम करते हैं। तो यही जो है इसका नियम है मैथ का। तो यहाँ पर इससे फायदा हुआ कि 100 ग्राम का दाम जो है 1.8 रुपये यहाँ पर निकल गया। और यहाँ पर हमको जो है क्वेश्चन में हमको 2 केजी 100 ग्राम का दाम निकालना था, तो 2 केजी का मैंने यहाँ पर निकाल लिया 36 रुपये, और यहाँ पर मेरा निकल गया 100 ग्राम का दाम 18 रुपये। तो हमको दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर